दोस्तों, तालीमी मैदान की इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक शख्सियत डॉक्टर अमानुल्लाह शाह अब हमारे दरमियान नहीं रहे। डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब का तारुफ कैसे कराया जाए, ये इस वक्त बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा है। आप एक मुअल्लिम के घराने में पैदा हुए, आपके वालिद मरहूम उस्मान शाह जनाब बहुत ही काबिल और मेहनती असातिज़ा में शुमार होते थे। आपके शागिर्द आज भी बड़े इज्जत और एहतराम से आपका नाम लेते हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब ने जलगांव पहुंचकर वो पहले धूलिया में अपनी मुलाजमत करते थे, उसके बाद में जब जलगांव में उनका तबादला हुआ तो यहाँ पहुंचकर उन्होंने तालीमी अजहान बनाने का सिलसिला शुरू किया। जलगांव में सभी जानते हैं कि सन 1970 में एक हौलनाक फसाद फूट पड़ा था, 42 इंसानी जानें तल्फ हो गई थी, पूरा शहर सहम गया था और पूरी दुनिया की तवज्जो जलगांव पर मरकूज हो गई थी। ऐसे में जब डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब ने जलगांव में कदम रखा तो शायद आपके जहन में मिशन एजुकेशन ही समाया हुआ था। आपने अपने दोस्तों को साथ लेकर अंजुमन खिदमत खल्क की बुनियाद डाली और अंजुमन खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम सन 1979 में जलगांव में लड़कियों का एक स्कूल के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कायम हुआ। यह इदारा 37 साल बाद कायम हुआ था। इससे पहले जो इदारा कायम हुआ वो था एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जलगांव, जो सन 1942 में कायम हुआ था। यानी सन 42 से लेकर सन 1979 तक कोई सेकेंडरी स्कूल फिर कायम नहीं हो पाया था। ये डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब और उनके रफ़काए कार का ही बड़ा कारनामा था जो उन्होंने खालिस लड़कियों के लिए के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की बुनियाद डाली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी ख़ास दिलचस्पी के 22 जलगांव से 10 किलोमीटर दूर पालदी कस्बे में मोहम्मद ताहिर पटनी उर्दू हाई स्कूल का क़याम अमल में आया, जो अभी जारी हो सारी है, जहाँ पर 250 बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह से के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में कमोबेश 1300 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपने एक और बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया है और वो कारनामा है अंजुमन मुस्लिम शाह बरादरी के ज़ेर एहतमाम BY शाह उर्दू हाई स्कूल का क़याम, जो कि जलगांव में ही चलता है। तो इस तरह से आपके कारनामे तालीमी मैदान में ऐसे हैं जिसको बयान करने के लिए बहुत तफसील दरकार है। और हाँ, एक वाकया और याद आ रहा है कि जब आज से तकरीबन 40 बरस कबल जलगांव में जानी बाबू कव्वाल का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, चैरिटी शो मुनक़िद किया गया था, उसके इनेकाद में भी डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। जानी बाबू कव्वाल ने एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के अहाते में वाक़े अमीनिया हॉस्टल की तामीर नौ के लिए यह काम अंजाम दिया था और जो पैसे जमा हुए थे उससे अमीनिया हॉस्टल की तामीर नौ हुई थी। इस काम में डॉक्टर अमानुल्लाह शाह साहब के हमरा मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक साहब, अब्दुल करीम सालार साहब, हाजी यासीन साहब और दीगर कई ऐसे अफराद थे। तो दोस्तों, एक तालीमी मैदान की दीवानी शख्सियत, तालीम की एक परस्तार शख्सियत और तालीम के लिए ख़ुद को झोंक देने वाली शख्सियत हमारे दरमियान से रुख्सत हो गई है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।